नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि बदलने वाले हैं और ये परिवर्तन कोई छोटा मोटा परिवर्तन नहीं, ये महापरिवर्तन है। क्या है बृहस्पति के महापरिवर्तन का मामला? बृहस्पति के इस महापरिवर्तन का राशियों पर कैसा होगा प्रभाव और कैसा रहेगा ये परिवर्तन देश दुनिया के लिए, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे वास्तु टिप के बारे में और सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 1 मई 2024 दिन बुधवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, प्रातः काल 5:45 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 1 मई 2024 दिन बुधवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, शुक्र और बृहस्पति संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। केतु संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। चंद्रमा मकर राशि में। शनि कुंभ राशि में। बुध, राहु और मंगल संचरण कर रहे हैं मीन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि बृहस्पति के राशि परिवर्तन का ये पूरा मामला क्या है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति और शनि, ये दो ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो मानव जीवन पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। इसीलिए अगर इनका परिवर्तन होता है, एक तो इनका परिवर्तन लंबे समय बाद होता है और जब इनका परिवर्तन होता है तो देश दुनिया में लोगों के जीवन में बड़े परिवर्तन होते हैं। बृहस्पति अभी तक मेष राशि में मौजूद हैं। अब 1 मई को दोपहर में बृहस्पति वृषभ राशि में चले जाएंगे। वृषभ राशि शुक्र की राशि है और बृहस्पति वहां प्रवेश करेंगे। बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन मध्यम फलदायी है, एवरेज है। बृहस्पति विश्व व्यवस्था में परिवर्तन करवा देते हैं, इसलिए देश दुनिया पर इस परिवर्तन का गहरा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ अलग अलग राशियां भी इस परिवर्तन से प्रभावित होंगी। बृहस्पति का ये परिवर्तन कोई मामूली परिवर्तन नहीं है, ये परिवर्तन दुनिया भर में बड़े परिवर्तनों की शुरुआत करेगा और ये परिवर्तन अगले 6 साल तक लगातार देश दुनिया में जारी रहेंगे। चर्चा हमारी जारी है, आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि,
कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, शिक्षा के मामले में आपके सुधार होगा, संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन का नुकसान हो सकता है, संबंधों में विवाद से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, करियर में आपको सफलता मिलेगी, किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बृहस्पति की जब राशि बदलेगी तो बृहस्पति शनि से केंद्र में आ जाएंगे, शनि कुंभ में और बृहस्पति वृषभ में। इस परिवर्तन का प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य, संतान, विवाह और चरित्र पर ज्यादा पड़ेगा। शनि और बृहस्पति का प्रभाव लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। आंतरिक युद्ध, राजनैतिक अस्थिरता और मंदी जैसी स्थितियां बनेंगी। पेट की बीमारियां, नसों की बीमारियां और गले की बीमारियां तेजी से फैलेंगी, बीमारियों के बढ़ने की संभावना बनेगी। जनहानि और विश्व में उथल पुथल होने के योग बन रहे हैं। भारत वर्ष का जो लग्न है वो वृषभ लग्न है। वृष लग्न में किसी भी ग्रह का प्रवेश होना भारत वर्ष में बड़े परिवर्तन का कारण बनता है। बृहस्पति वृषभ में जो प्रवेश करेंगे भारत वर्ष की राजनैतिक स्थितियां बदल सकती हैं। भारत वर्ष की राजनीति में अगले एक साल में बड़े जबरदस्त परिवर्तन हो सकते हैं और भारत वर्ष में ये परिवर्तन बहुत गहराई से असर डालेंगे। हालांकि बृहस्पति यह धर्म का कारक, इसीलिए धर्म के जो मामले हैं, रिलीजन के जो मामले हैं, वो भारत वर्ष में मजबूती से आगे आते हुए दिखाई देंगे, यानी धार्मिकता को लेके चीजें थोड़ी एक्टिव हो जाएंगी। तो आने वाला जो एक साल है जब तक बृहस्पति वृषभ में रहते हैं, वैसे तो पूरी दुनिया में बड़े परिवर्तन होंगे लेकिन भारत के लिए ये समय बड़े परिवर्तनों का कारण बनेगा और बहुत बड़े बड़े परिवर्तन इस देश में अगले एक साल में जरूर होंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे वास्तु टिप के बारे में और साथ ही साथ आपको बताएंगे सफलता के लिए सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, काम में व्यस्तता रहेगी,
अचानक धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान आपको मिलेगा। धन का दान अगर किसी निर्धन व्यक्ति को कर दें तो मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। कन्या राशि, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, कारोबार में लाभ होगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है, धन हानि से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, विवाह तय होने का योग बन रहा है, करियर में आपको सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं मोटे तौर पे इन ब्रीफ किस राशि पर बृहस्पति के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों के लिए परिवर्तन उत्तम रहेगा। इसमें धनु वालों को थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन बाकी मामलों में चीजें ठीक रहेंगी। और मेष वालों को तो बहुत जबरदस्त फायदा होगा और सिंह राशि वाले अपने करियर में जबरदस्त उन्नति कर पाएंगे इस समय। वृषभ, मिथुन, तुला, कुंभ और मीन राशि के लिए परिवर्तन अनुकूल नहीं होगा। इन राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना है, सेहत में दिक्कतें हो सकती हैं, बेवजह के अपयश की समस्या आपको परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य और अपयश की समस्या से आपको बचना होगा। अगर आपकी राशि है वृषभ, मिथुन, तुला, कुंभ या मीन राशि, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि के लिए ये परिवर्तन सबसे ज्यादा अनुकूल होगा। कन्या, वृश्चिक और मकर वालों को जबरदस्त फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थान परिवर्तन और करियर में इनके लिए सफलता के मजबूत योग बनेंगे। स्थान परिवर्तन होगा, करियर में बड़ी सफलता इनको मिल सकती है। इनके तमाम रुके हुए काम भी इस समय निश्चित रूप से पूरे होंगे। तो मेष, सिंह, कन्या, वृश्चिक और मकर, इन राशि वालों के लिए ये परिवर्तन काफी ज्यादा उत्तम रहेगा। लाभ की संभावना इनके लिए जरूर बनेगी। अब मान लिया कि बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ नहीं है, आपके लिए दिक्कतें दिखा रहा है, दिक्कतें बना रहा है, तो क्या उपाय करेंगे। देखिए, बृहस्पति का राशि परिवर्तन अगर शुभ नहीं होगा तो स्वास्थ्य में, शिक्षा में दिक्कतें आएंगी, अपयश का और उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह और शाम गुरु मंत्र का, जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है, उसका जप करें, या
गुरु ग्रह का जो मंत्र है ओम ग्रां ग्रीं ग्रों सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करें या गायत्री मंत्र का सुबह शाम जप करें। हर बृहस्पतिवार को किसी धर्म स्थान पर जाएं, जिस भी धर्म संप्रदाय के मानने वाले हैं, और वहां पर जा करके प्रार्थना करें, कृपा के लिए याचना करें। खान पान में अपने सात्विकता रखें, क्योंकि जिन लोगों के लिए राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है, ऐसे लोगों को पेट की दिक्कतें ज़्यादा परेशान कर सकती हैं, पेट में समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए ऐसे तमाम लोग जिनके लिए राशि परिवर्तन ठीक नहीं है, वो मांस मदिरा का प्रयोग करना बंद कर दें, उल्टी सीधी चीज़ें खाना बंद करें, अपनी फूड हैबिट्स को ठीक करें, नहीं तो बीमार पड़ सकते हैं। सफ़ेद वस्त्रों का, वाइट कपड़ों का जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे, उतना ही ज़्यादा इनके लिए बेहतर हो जाएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे वास्तु टिप के बारे में और साथ ही साथ सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, काम की अधिकता रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी, यात्रा की संभावना बन रही है। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपको लाभ होगा। मकर राशि, संतान की उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम के दबाव से परेशानी होगी, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, जोश में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। हरे फल का अगर दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, बड़ों की सलाह से लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका राशिफल। अब जान लेते हैं आपके घर और आपके जीवन के लिए वास्तु टिप। छत में जो बीम होती है उस बीम के नीचे सोना नहीं चाहिए, और उस बीम के नीचे बैठकर के काम भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य की समस्याएं और मानसिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। अब जान लेते हैं दिनांक 1 मई बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 1 मई बुधवार को प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें, घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।